हम जानते हैं कि आखिर में एडवांस एक्सेल होता क्या है। अब कुछ लोगों की कंफ्यूजन होती है कि एडवांस एक्सेल कोई अलग सॉफ्टवेयर होगा इस नॉर्मल एक्सेल के अलावा, या फिर कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि एडवांस एक्सेल के कुछ अलग फीचर्स हैं। दोनों ही गलत है। माइक्रोसॉफ्ट ने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि भाई ये दिस टॉपिक आर द बेसिक, दिस टॉपिक आर द एडवांस। वो हमारे यूज पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक मैथमेटिक, कि मैथमेटिक में पूरा मैथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पे टिका है ना सर, जी पे टिका हुआ है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम 20 + 30 करेंगे तो बेसिक मैथमेटिक है, और इसमें अगर हम कुछ और प्लस कर जगह पे हम कुछ और यूज कर लेंगे तो एडवांस हो जाएगा। चाहे साइन डेटा, कॉस डेटा, जेब्रा, कुछ भी यूज करें, एटलीस्ट इन चारों का ही तो यूज करेंगे आप। सेम उसी तरह से हम आपको दो एग्जाम्पल देते हैं ताकि पता चल पाएगा कि बेसिक और एडवांस क्या होता है और क्यों जरूरत है। तो सिंपल सा, मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया हुआ है, यहाँ पे 30 टाइप किया हुआ है। मैं 20 को कॉपी किया और 30 के ऊपर पेस्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि 30 रिप्लेस हो गया 20 से। तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ और अगेन इस मैं इस बार पेस्ट नहीं करके पेस्ट स्पेशल करता हूँ, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ ऑपरेशंस होते हैं। मतलब पेस्ट स्पेशल ऐसा पार्ट होता है कि आपने जहां से कॉपी किया है वो पूरा का पूरा पेस्ट ना करके कोई पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कंटेंट को पेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसमें से सिर्फ जो है चूज करता हूँ मल्टीप्लाई को या एड को, हम ऐड कर लिया। तब क्या होगा कि जहां से कॉपी हो रहा है जहां पे पेस्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, और 40 30 + 20 इज द 50 यहां पे पेस्ट होगा। दोबारा बताता हूं मैं आपको कि इस बार में पेस्ट स्पेशल में ऐड न लेके मल्टीप्लाई लिया, तो मल्टीप्लाई ले जाने के कारण क्या हो गया, 50 × 20 1000 आपका यहां पेस्ट। तो आपने अभी ये जाना कि पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस के अंदर में ये जो एड मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट होता क्या है, राइट सर? जी सर, ठीक है जिनेश जी। यस यस, अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसी चीज को जब मैं एडवांस एक्सेल में यूज करेंगे, इसी टॉपिक को मुझे एडवांस एक्सेल में मैं पढ़ाऊंगा, ये आपको कोई भी ऑलरेडी या फिर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर, बहुत सारे जो फलाना टेक, सलाना टेक, एफ टेक, इस तरह के जो होते हैं वो आपको यही पढ़ाएगा, क्योंकि उन्होंने इसी को पढ़ा है और यही आपको पढ़ाएगा। लेकिन किसी वर्किंग प्रोफेशनल के पास जाएंगे, जैसे कि मेरे पास आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, तो इस टॉपिक को कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम आपको परसेंटेज का सिस्टम समझाएंगे कि अगर आपको यहाँ पे 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल दीजिए तो 20% आएगा। ओके? मतलब कि अगर मैंने 20 टाइप कर दिया और इसके ऊपर परसेंटेज डालेंगे तो 2000% हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, एक्सेल में हमेशा 1 = 100%। अब मुझे इससे समझ से इस चीज से मुझे समझ में आता है कि मुझे बाद में परसेंटेज लगाना होगा, तो 0.20 इस तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे, 10% का सिंबल देंगे तो हमारा 20% यहाँ पे दिखेगा। अब यही एक प्रॉब्लम थी कि हमारे कलीग थे जो कि मुझे डेटा भेजते थे, यहाँ पे मैं रैन बिटवीन एक रैंडम डेटा को सैंपल डेटा क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा हूँ, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे उन्होंने भेज दिया इस तरह का डेटा। अब ये जो डेटा है ना उनके हिसाब से 82% है, बट सिस्टम के हिसाब से 82 है। मतलब अगर मुझे 500 का 82% में 82% निकालना होगा तो जस्ट मैं यहां पे इसको सिलेक्ट कर मल्टीप्लाई करूं। लेकिन जब 82 इन द नंबर होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 41,000 आएगा। तो मुझे अपनी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अब यही प्रॉब्लम आ गई कि जो हमारे कलीग ने मुझे जो भेजा है ना, अब इसको मैं अपने एक्सेल में यूज नहीं कर सकता, अपनी रिपोर्ट में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रिपोर्ट का कैलकुलेशन इस बेस पे, लेकिन जब ये डेटा डालूंगा तो कैलकुलेशन को चेंज करके मुझे इस बेस पे करना पड़ेगा, और ऐसा मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे उनके जैसे बहुत सारे लोगों का डेटा आता है तो मुझे किसी, ज्यादातर जो आते हैं वो परसेंटेज वाले ही आते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो मैं यही पे क्या करना चाहता हूँ कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये 82 है तो यहाँ पे 82% हो जाए, 84% 84% हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं F2 प्रेस करके एक्टिवेट करता हूँ या डबल क्लिक कर सकते हैं इसकी जगह पे और फिर परसेंटेज सिंबल डाल के एंटर मारता हूँ। अब ये तो बड़ी लेंथी वर्क हो गई ना सर। डेटा अभी चलिए आपके पास कुछ है, लेकिन डेटा जब 1000 में, 10000 में, 20000 में होगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहां पे मैंने जनरेट की एक प्रॉब्लम जिसको मैनुअल सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम, ऐसे केसेस में हम इस नॉलेज का यूज करेंगे, जो भी मैंने नॉलेज बताया तो इस नॉलेज का यूज करेंगे। हम एक सेल पे 100 को टाइप करेंगे, इस 100 को कॉपी करेंगे और पूरे सीट पे सेलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल और इसमें हम कर देंगे डिवाइड। तो हर नंबर 100 से डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात डेसिमल प्लेसेस में आ जाएगा। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हम डेसिमल प्लेस में लिखने के बाद जब परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे तो परसेंट में आ जाएगा। देखिए आ गया परसेंट में। तो हमने बस एक क्लिक से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जो कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जिग्नेश जी एंड रोशन जी विदाउट इसमें गुड है, गुड आइडिया, गुड है। तो अब यहां पे चीज को समझिए, सेम फीचर मैंने समझाया आपको सीट वन, ये फीचर्स आप जान जाओगे और मुझे लगता है कि आपको कल तक भी याद रहे क्योंकि इसको भूल जाओगे, ये आपके लिए अननेसेसरी वर्ड चीज है। अब नहीं यार क्या करना, डिवाइड करने के खुद बखुद डिवाइड कर लेंगे, ऐड पैट करने से क्या जरूरत है, कॉपी पेस्ट करने में क्या ऐड करें। लेकिन जब मैंने इसको एक प्रॉब्लम क्रिएट किया कि देयर इज द प्रॉब्लम, अगर आप इसको ये यूज ना करेंगे तो मैनुअल आपको घंटों दिन महीना लग जाए। फिर मैंने सॉल्यूशन बताया तो आपके दिमाग में एकदम चौंकाया और आपने उसको कैच कर लिया। और ये चीज आप जल्दी नहीं भूलोगे, अगर भूल भी जाते हो तो वापस इसको जल्दी इसको रिकॉल कर लोगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सीट वन में दी गई एग्जाम्पल दिस इज द बेसिक एक्सेल और सीट टू पे दी गई एग्जाम्पल दिस इज द एडवांस एक्सेल। और मेरी क्लासेस में आपको इसी तरह की सारी चीजें बताई जाएगी और इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया आपके साथ बात करते हुए, आपके जानते हुए आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा रिपीट करते हुए और दो से तीन लोगों के साथ। बैच में ऐसा नहीं कि मुझे मेरा जो क्लासेस का बैच ऐसा नहीं कि उसमें 20-50 बच्चे होते हैं, जी नहीं, क्योंकि मेरे पास सारे आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं जो कि अपने काम में इसको यूटिलाइज करना आते हैं। उनको सर्टिफिकेट से लेना देना नहीं होता है, उनको नॉलेज से लेना देना होता है क्योंकि उस नॉलेज को वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। हर कोई आता है अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम और ऑफिस की एक्सपीरियंस को लेके जो कि बैच में शेयर करता है और आपको हम बताते हैं, राइट okay. और सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, पढ़ाने के बाद आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं दूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे, मेल पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जैसे थोड़ा देर पहले ही एक ये देखिए रामजी पांडे जी का एक प्रॉब्लम आया है और मैं इसको देखूंगा, ऐसे मैंने फोन पे उनको एक्सप्लेन कर दिया, फिर इस पर एक वीडियो बनाकर फिर उनको भेजूंगा। तो आपको आफ्टर द कोर्स भी आपको आपको पता रहेगा, आपको सपोर्ट रहेगा मेरा। साथ में कोर्स करते समय अगर आपके पास और कुछ प्रॉब्लम है तो क्लास से पहले क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपको हम समझा देंगे या फिर उससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको रिकमेंड कर देंगे। अगर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई टॉपिक चल रहा है तो टॉपिक में आपको बता देंगे। जैसे मैं पिवट टेबल आपको पढ़ा रहा हूं, आपके पास ऑलरेडी पिवट टेबल का प्रॉब्लम है, सो वी डिस्कस पिवट टेबल टॉपिक ऑन योर डेटा। अब बात करते हैं कोर्स को। तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जब जाते हैं तो वहां पे मेरे क्लासेस के बारे में आपको मिलेगा। मेरे पास दो तरह की क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस एंड वीडियो क्लासेस। वीडियो क्लासेस जो कि आपने मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड किया था उसके अंदर जो कोर्सेज थे, ये जो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं ये हमारे वीडियो क्लासेस है जो कि हिंदी में रिकॉर्डेड है, राइट ओके। उसके अलावा लाइव क्लासेस पर अगर आप आते हैं तो लाइव क्लासेस में हमारा ये लाइव क्लासेस है, यहाँ पे लाइव क्लास पे क्लिक कीजिए। तो लाइव क्लासेस जूम के थ्रू होगा।
अब जो हमने आपके साथ कोर्स डिस्कस करना चाहते हैं एक कोर्स ए है, एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, ठीक है, एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला। इसमें आपको बेसिक एक्सेल आएगा और एक्सेल एडवांस भी आएगा। एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है, इसमें आपके करीब 15 चैप्टर्स हैं। इसकी डिटेल्स ड्यूरेशन के लिए आपको एक पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, नहीं तो मैं दोबारा भेज देता हूँ, आप दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये ड्यूरेशन है। अब इसमें क्या क्या कवर देख लीजिए, इसमें हम एक्सेल के हर एक फीचर को कवर करने की कोशिश की है। इसमें मोर देन 300 फॉर्मूला कवर करने की कोशिश की है, एडवांस फॉर्मूला, पावर क्यूरी, डैशबोर्ड, एवरीथिंग इसमें हम कनेक्ट करने की कोशिश की है। एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस होगा बेसिक से एडवांस, मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लासेस होगी, और आप डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुआ प्रैक्टिस करते समय, ऑफिस में काम करते समय मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी ड्यूरेशन आपका देखिए 35 से 45 घंटे का है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है पूरा सीखने का, तो मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स आप ले सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्स जो है 5 से 6 घंटे का है, 5 से 6 घंटे में जो मेन मेन चीजें हैं हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और मेन मेन चीजें क्या होगी आप भी मुझे बता सकते हैं और हम भी आपको सजेस्ट करेंगे कि ये चीजें सीख लेंगे, ठीक है। देखिए वो एक्सपर्ट लेवल का नहीं होगा, उतना होगा कि हाँ इसके बारे में आप जान गए बस, या आपकी कुछ 10-20-50 प्रॉब्लम्स है जो टॉपिक से, आप मान लीजिए आपको 10-15 फॉर्मूले सीखने हैं, पिवट टेबल सीखना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखना है, ऐसे 2-4 चीजें सीखनी है, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्स आपके लिए सुटेबल है, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अगर सीखना चाहते हैं, आपने मन बनाया हुआ है, टाइम निकाला हुआ है, तो गो टू द एक्सपर्ट लेवल, पूरा का पूरा आप टॉपिक को सीखें और अच्छे तरीके से एक्सपर्ट बने। ओके है सर। अब आप लोगों के पास मन में शंका है, किस तरह की प्रॉब्लम है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं मतलब ये सिर्फ एक्सेल के ऊपर ही सब कुछ